अप्रमाद वक्को, अप्रमाद मतलब आलस्य ना करना, प्रमाद मतलब आलस्य करना। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश था कि आलस्य में भिक्षु ना रहो, प्रमाद ना करना निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। प्रमाद ना करने वाला मरते नहीं है और प्रमाद ही तो मरे हुए समान है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमन करते हुए अप्रमाद में प्रमुदित होते हैं। वे सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले, धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान बुद्ध आगे बताते हैं, उद्योगशील स्मृतिमान सूची कर्म करने वाले, सोच समझ कर काम करने वाले, संयमी धर्म का जीवन जीने वाले अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। मेधावी पुरुष उद्योग अप्रमाद संयम तथा इंद्रियों का दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे चार प्रकार के क्लेशों की बाढ़ डुबो ना सके। मूर्ख दुर्बुद्धि जन प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि मेधावी पुरुष श्रेष्ठ धन के समान अप्रमाद की रक्षा करता है। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, प्रमाद मत करो और ना ही काम भोगों में लिप्त हो, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता है। जब कोई समझदार व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से परे ढकेल देता है, उसको जीत लेता है, तब वो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। शोक रहित धीर मनुष्य शोकग्रस्त जनों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े हुए लोगों को। प्रमाद करने वालों में अप्रमादी तथा सोए हुए लोगों में अति सचेत उत्तम प्रज्ञा वाला दूसरों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है, ऐसे शीघ्रगामी अश्व दुर्बल अश्व को। प्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ को प्राप्त हुआ। पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों को, बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन नहीं हो सकता, वो तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ होता है। अप्रमाद वग द्वितीय नित्तितो। साधु साधु साधु।